हेलो दोस्तों, तो रेसिपी जोन की इस केक सीरीज में आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। ये एक हेल्दी केक है, इसे आप इन सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो फटाफट से इस केक की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इस केक के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेमल सिरप, जिसके लिए यहाँ पे हाफ कप लिए मैंने चीनी, जिसे मैंने एक सॉस पैन में डाल लिया है और मीडियम गैस फ्लेम पर इस चीनी को हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये चीनी जो है मेल्ट होने लगी है, गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं करना है वरना ये चीनी जलने लगेगी। ये देखिए ये चीनी अब पूरी मेल्ट हो चुकी है। अब इस चीनी के अंदर हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसमें डालेंगे एक कप इतना पानी। जैसे इसमें पानी ऐड किया है, चीनी जो है वो हार्ड होती जा रही है, ये देखिए। लेकिन आप अभी गैस की फ्लेम कर लीजिएगा मीडियम और इसे एक बार अच्छे से चला लीजिएगा। धीरे धीरे ये सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। एक दो से तीन मिनट हमने इसे अच्छे से चला लिया है और उसके बाद आप देख सकते हो ये चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है और ये हमारा कैरेमल सिरप बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एक दूसरे बाउल में मैंने ली है ग्रीन और रेड कलर की टूटी फूटी, ये दोनों भी मैंने दो दो टेबलस्पून करके ली है और इसी के साथ में दो टेबलस्पून इतनी चेरी मैंने बारीक कट करके डाल ली है। और इसी के अंदर हम डालेंगे कुछ किशमिश और इसी के अंदर डालेंगे दो टेबलस्पून इतने रेजिन्स और इसमें शामिल करेंगे हम कुछ नट्स। यहाँ पे है मैंने दो टेबलस्पून लिए हुए कुछ बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने ये जो कैरेमल सिरप बना लिया था वो इसमें डाल देते हैं। ये मैंने ठंडा करके इसमें डाल दिया है और इसे हम एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे अब ढक करके एक दो घंटे के लिए हम अच्छे से सोक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें 1/3 कप इतनी डाली है मैंने चीनी और इसी के अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने दो लिए इलायची, एक छोटा टुकड़ा लिया है मैंने जायफल का और दो टुकड़े लिए मैंने दालचीनी के। ये सब इसमें शामिल कर देते हैं और इसे एक बार मिक्सी में हम अच्छे से चला कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की मैंने इसके पाउडर बना ली है। अब यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया है मैंने, जिसपे ये रख ली है मैंने एक छन्नी। इसमें डालेंगे 1.5 कप इतना मैदा और इसी के अंदर डालेंगे जो हमने मिक्सी में जो चीनी और गरम मसाले पीस कर लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसी के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून इतना मिल्क पाउडर और अब इसमें हम शामिल करेंगे कोको पाउडर जो 1 टेबलस्पून इतना लिया है मैंने और अब इसमें 1.5 टीस्पून इतना डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इतना डालेंगे बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं। ये सारी चीज़ें छानने से ये अच्छे से मिक्स भी हो जाती है और केक जो है वो स्पॉन्जी बनता है, इसलिए इसे ज़रूर छान लीजिएगा और ये जो मोटा पार्ट है इसे साइड में कर देते हैं। एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम स्पैचुला से। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। 2 घंटे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हमने भिगोने के लिए छोड़ दिए थे उसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को कैरेमल सिरप के साथ ही डालेंगे हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट में और इसी में डालेंगे 1/4 कप इतना ऑयल। सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ सा केक का बैटर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी फ्लोई चाहिए मुझे, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप इतना दूध और इसे भी एक बार अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून इतना विनेगर। विनेगर ऐड करने के बाद हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसे फटाफट से मिक्स कर लेना है और इस बैटर को हम फटाफट से ऐड करेंगे केक टिन में। केक टिन को ऑलरेडी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें बटर पेपर भी डाल लिया है। सारा बैटर इसमें डालने के बाद इस टिन को हम इस तरह से 5 से 6 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसमें की जो एयर बबल्स है वो निकल जाए और केक हमारा एक जैसा बेक हो। अब इस केक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सजा लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से रेजिन्स इसमें लगा लिए हैं इस तरह से
और इसी में थोड़े से मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन कलर की टूटी फूटी और साथ ही में रेड कलर की टूटी फूटी। केक बेक करने के लिए लो गैस फ्लेम पे मैंने एक पतीला एक स्टैंड डालकर प्री हीट करने रखा था 10 मिनट पहले, जो अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब उसमें हम ये केक टिन जो है वो रख लेते हैं और इसे ढक करके एक 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद एक 45 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस केक को बेक कर लेते हैं। 45 मिनट के बाद इसे खोलकर हम चेक कर लेते हैं। वाव, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ चुका है केक पर। ये अच्छे से बेक हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए इसके बीचों बीच एक स्कीवर डाल लेते हैं। ये क्लीन निकल चुका है यानी कि ये अच्छे से बेक हो चुका है। ये केक हमने साइड में निकाल लिया है और ये पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो चुका है, तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो नाइफ से मैं इस तरह से पहले इसके किनारे छुड़ा कर लूँगी और फिर हम इसे एक प्लेट में इस तरह से फ्लिप करेंगे। एक दो बार हम केक टिन को टैप कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितना इजीली ये केक निकल चुका है। अब इसका हम पेपर जो है ये हटा लेते हैं। एक पीस में इसका आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये केक कितने अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर तक कितनी जाली आ चुकी है इस केक की। तो दोस्तों, आपको ये मेरी प्लम केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।